हेलो दोस्तों, एक्सपर्ट क्लासेस पूर्णिया में आपका स्वागत है। दोस्तों आप लोग कह रहे थे क्लास वन का बनाइए, तो मैं आज क्लास वन का भी शुरू किया हूँ। दोस्तों आज जो मैं बताऊंगा आपको, पेज नंबर 1 से 16 तक यानी क्या है कंपेरिजन वाला बताऊंगा चैप्टर पूरा एक ही वीडियो में 1 से 16 पेज नंबर तक बता दूंगा, नहीं तो ऐसे बहुत बनाना पड़ेगा। तो चलिए समझाते हैं क्या है। दोस्तों इस वाला बुक ने जो बच्चा सबको उठा के लाए हैं, कहें कि रेड वुड टिक लगा हुआ है, मैंने बहुत सारा चीज़ मिटाया है और हम समझाने का पूरा कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, धीरे धीरे बता रहे हैं। डू यू रिमेम्बर बिग और स्मॉल? बिग एंड स्मॉल, बिग मतलब बड़ा होता है, स्मॉल मतलब छोटा होता है। मीनिंग बता रहे हैं, यहाँ बोला टिक द, ये भी टिक है ये भी टिक है, कोई एक पढ़ लो। टिक द बिग वन, इसमें ई बड़ा है कि ई बड़ा है, तो अब देखने से लग रहा है कि ये बड़ा है, तो इसमें हम लोग टिक कर देंगे बड़ा वाला को, खत्म। इसमें क्या बोला है, टिक द स्मॉल वन, स्मॉल मतलब छोटा, ये और ये छोटा को ना, ये छोटा है तो इसमें टिक कर देंगे बस। अगला चलते हैं, फाइंड द बिगेस्ट, बिगेस्ट मतलब सबसे बड़ा, स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट मतलब सबसे छोटा, तो ये तीन है तो सबसे, यहाँ बोला है फाइंड द बिगेस्ट, ये तीनों में से सबसे बड़ा ये है तो इसमें टिक हो जाएगा। उसके बाद है टिक द स्मॉलेस्ट, ये सबसे छोटा को ना, तो सबसे छोटा देखिए ये है ना, ये हो जाए। आगे चलते पेज नंबर 2 में आ गए हैं, टिक द वंस विच आर इन द सेम साइज, टिक उसको करना है जो सेम साइज का है। दोस्तों ये देखिए छोटा है, ये दोनों बराबर है तो ये भी टिक हो जाएगा और ये भी टिक हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट चलते हैं, इसमें भी वही है, देखिए ये सेम साइज का है तो ये भी टिक हो जाएगा और ये भी हमारा टिक हो जाएगा। इसमें सेम साइज का कौन है, तो ये और ये दिख रहा है तो ये भी टिक हो जाएगा और ये भी टिक हो जाएगा। इस पर रेट कहीं कहीं लगा हुआ, कहीं कहीं गलत भी है दोस्तों, हम लेकिन बता रहे हैं आपको ध्यान से। इसमें देखिए ये तो लंबा थोड़ा ज़्यादा है, ये दोनों सेम है, ई टिक हो जाएगा और ई टिक हो जाएगा। अगला देखते हैं दोस्तों, पेज नंबर 3 में आ चुके हैं, डू यू रिमेम्बर लोंग, लोंग मतलब लंबा होता है और शॉर्ट मतलब छोटा होता है, छोटा लंबा कौन वाला, ऊंचाई वाला लंबा और शॉर्ट। टिक द लॉन्गेस्ट, तो लंबा ये दोनों में कौन है, देखने से देखिए ये कितना लंबा है, ये छोटकू है ना, दोनों ब्रिज है तो ये लंबा है, इसमें टिक कर देंगे। इसमें क्या बोलता है, टिक द शॉर्टर, शॉर्टर मतलब छोटा, ई और ई में ज़्यादा छोटा ये है, ये चल जाएगा। अभी लॉन्गेस्ट मतलब सबसे लंबा और शॉर्टेस्ट मतलब सबसे छोटा, लॉन्गेस्ट मतलब सबसे लंबा, टिक द लॉन्गेस्ट, ये तीनों में से सबसे लंबा ये वाला मोजा है, इसमें नीचे में यहाँ टिक कर देंगे। टिक द शॉर्टेस्ट वन, इस सारे में सबसे छोटा ये वाला है। अब तो जैसे टिक उक लगाना पड़ा दोस्तों, पहला चैप्टर यही, आप लोग बोल रहे हैं इसलिए, मैं इसलिए नहीं बनाना चाहता था लेकिन आप लोग बोल रहे हैं तो मैं बना रहा हूँ वीडियो। नेक्स्ट है टिक द वंस हैविंग द सेम लेंथ, वही लंबाई में सेम, देखिए ई थोड़ा लंबा है एरो, ये दोनों बराबर है तो इसमें भी टिक हो जाएगा और इसमें भी टिक हो जाएगा। इसमें देखिए ये थोड़ा लंबा है यहाँ तक है, तो ये दोनों बराबर दिख रहा है, इसमें भी हो जाएगा और इसमें भी हो जाएगा। इसमें चलते हैं, ये देखिए इसमें और ये वाला ट्रेंड बड़ा है, दोनों बराबर है, ये वाला छोटकू है तो ये वाला टिक लग जाएगा, ये वाला टिक हो जाएगा। इसमें देखिए ये फीस सेम है तो ई वाला फीस में और ई वाला फीस में टिक लग जाएगा। इसमें देखिए ये कंगी है, कम है यानी कंगी है, ये दोनों बराबर है तो इसमें टिक हो जाएगा और इसमें टिक हो जाएगा। इसमें देखिए ब्रश, ये वाला बराबर, ब्रश बराबर है तो ये वाला में टिक लग जाएगा और ये वाला में टिक लग जाएगा, तो कमी में बन जाएगा बहुत जल्दी। आगे पढ़ते हैं, पेज नंबर 5 में आ चुके हैं, डू यू रिमेम्बर टॉल एंड शॉर्ट, दोस्तों वो लॉन्ग था और शॉर्ट था, लॉन्ग मतलब लंबा, जैसे ये पेन लंबा है, और शॉर्ट मतलब जैसे ये ऊंचाई में देखते हैं, जैसे ये है ना ऊंचाई में देखते हैं, है ना, टॉल टॉल मतलब जैसे आप कितनी ऊंचाई है और शॉर्ट मतलब कितने छोटे हैं, जैसे आपका भाई बहन छोटे होंगे आपसे, टिक द, वैसे आप खुद 1 क्लास में पढ़ते हैं तो खुद छोटे होंगे, भाई बहन छोड़ दीजिए, अब मम्मी पापा से कंपेयर कीजिएगा, मम्मी पापा आपसे बड़े होंगे, आप सबसे छोटे। टिक द टॉलर वन, टॉल मतलब जो ज़्यादा टॉल है, टॉल मतलब देखिए ये से ये ज़्यादा टॉल है ना, इसलिए टिक लग गया, इस दोनों में ये ज़्यादा टॉल दिख रहा है ना, ये हो जाएगा। अगला है फिर यह फाइंड द टॉलेस्ट, टॉलेस्ट मतलब सबसे ऊंचा, ऊंचाई तो है लेकिन सबसे ऊंचा, और ये शॉर्टेस्ट मतलब सबसे नाटा, नाटा भी कह सकते हैं छोटा भी कह सकते हैं, अब कोई नाटा है तो गुस्सा मत मान लीजिएगा भाई, ऐसा नहीं कि खाना नहीं खाएंगे सर हमको नाटा बोल दिया। हेलो यहाँ देखिए टिक द शॉर्टेस्ट वन, ये बेचारे देखिए बहुत छोटी है, नाटी सी मान लेते हैं इसी को टिक। इसमें क्या बोलना, टिक द टॉलेस्ट, ये देखिए कितना लंबा है, टिक द टॉलेस्ट, तो ये हो जाएगा।
दोस्तों देखिए बच्चा सब इसमें भी मारा है टिक, तो बच्चा सब गलत मारा है उसमें, हम टेंशन मत लीजिए, हम बता रहे हैं आपको। पेज नंबर 6 में आ चुके हैं, आइडेंटिफाई द बॉयज एंड गर्ल्स हैविंग द सेम साइज सेम हाइट एंड पुट, ये स्टार मार्क है इन द गिवन बॉक्स। जो सेम है, पहला तो बना दिया है ये बच्चा ये लड़का दोनों सेम है, स्टार मार्क लगा दिया, ये दोनों लड़की सेम है मैं स्टार लगा देता हूँ, है ना। अगला देखते हैं, ये दोनों बच्चा सेम है और ये दोनों बच्चा भी सेम है, ये दोनों लड़की सेम है तो इसमें स्टार लगा देता हूँ, है ना। इसमें कौन है, ये दोनों पुरुष और महिला सेम है, लड़का लड़की भी बोल सकते हैं लेकिन लग रहा पुरुष महिला, इसमें तो चार है बच्चा। ये देखिए इसको मत काउंट कर लीजिएगा, ये जो है ना खिलौना है इसको हटाओ, ये खिलौना को फेंक दो उठा के, पहले ये देखो ये लड़की है ये लड़की है ये लड़का, तो ये लड़का लड़की बराबर है, दोनों को टिक लग जाएगा। अब कोई बच्चा इसको मत काउंट कर लेना, ये छोटकू ये खिलौना है उसका, नहीं तो बेचारा रो देगा, खिलौना आप ले लीजिएगा तो। अच्छा, डू यू रिमेम्बर मोर, मोर मतलब ज़्यादा होता है, लेस मतलब कम। जैसे कि आप दूध पीते हैं तो या पानी पीते हैं तो ज़्यादा पीते हैं कम पीते हैं बोलते हैं ना हिंदी में, तो मोर वही मोर या लेस। टिक द करेक्ट टिक द वंस विच इज लेस क्वांटिटी, लेस मतलब कम। तो इस दोनों में देखिए कम कौन है, ये देखिए ये बुरे हाथ तक भरा हुआ है, इस वाला में कम है तो ये टिक लग जाएगा, इसमें देखिए फिर भरा हुआ इसमें कम है तो ये बार टिक लग जाएगा। अगला चलते हैं, इसमें भी देख लिए यहाँ तक भरा हुआ इसमें कम है तो ये टिक लग जाएगा, लेस मतलब कम, इसमें भी पूरा भरा हुआ ये कम है तो ये टिक लग जाएगा। अगला देखते हैं, इसमें भी देखिए भरा हुआ है इसमें बेचारा कम है जैम, ये भी देखिए चाय भरा हुआ है इसमें चाय कम है। अगला है नंबर 8 में आ चुका, इन सर्कल मतलब इन सर्कल मतलब गोल करना है घेरा लगाना, वंस हैविंग द सेम क्वांटिटी। दोस्तों हम टिक मार देंगे आप लेकिन घेरा लगा दिएगा, तो घेरा लग जाएगा इसमें देखिए यहाँ यहाँ बराबर है इसमें ज़्यादा है तो ये वाला को घेरा हो जाएगा और ये वाला घेरा हो जाएगा। इस वाला में देख लीजिए ये देखिए खाली है, ई वाला घेरा हो जाएगा और ई वाला घेरा हो जाएगा, वैसे लगा हुआ बच्चा सब लगाया है इसमें, इसमें देखिए यहाँ तक भरा हुआ है इसमें थोड़ा कम है इसमें भी कम है तो ये वाला घेरा हो जाएगा और ये वाला घेरा, आप लगाइएगा दोस्तों। इसमें देखिए पता ही नहीं चल रहा, इसमें यहाँ है इसमें भी यहाँ है, इसमें कौन है भाई, इसमें तो बराबर ही लग रहा सब दोस्तों एक्चुअली में, ये दोनों बराबर है बच्चा सब लेकिन इसको बराबर मान लिया है, एक्चुअल में इसमें है बराबर, क्योंकि देखिए यहाँ थोड़ा सा खाली है इसमें भी थोड़ा सा खाली है, इसमें तो इधर थोड़ा ज़्यादा खाली है, ये दोनों मुझे लग रहा बराबर होगा, फिर भी आप देख लीजिएगा बुक होगा आपके पास। इसमें देखिए इसमें बहुत कम है ये दोनों बराबर है, इसमें भी कम है तो ये दोनों बराबर है। आगे चलते हैं, ये कैसे बनाएंगे, फाइंड मोर एंड फ्यू, मोर मतलब ज़्यादा होता है, जैसे काउंटेबल नाउन ज़्यादा होता है ना तो उसमें मोर लगाते हैं और काउंटेबल नाउन कम होता है तो फ्यू लगाते हैं, मतलब अगर पानी ज़्यादा पीना है तो मोर लगाएंगे लेकिन पानी कम पीना है तो लेस लगाएंगे। लेकिन वही आपको अगर बिस्किट ज़्यादा खाना है, बिस्किट तो सेकंडेबल, और दूसरा को सोच लेते हैं क्या खाएंगे आप, मान लेते हैं क्या खाएंगे क्या खाएंगे क्या खाते हैं हम लोग, चलो पराठा खाते हैं हम लोग, पराठा ज़्यादा खाएंगे तो मोर खाएंगे, पराठा कम खाएंगे तो फ्यू खाएंगे, क्योंकि पराठा को गिन सकते हैं, वैसे पराठा भी अनकाउंटेबल नाउन में ही आएगा यार, क्या उठा लें आप, दूसरा चीज़ क्या खाते हैं हम लोग, चलो क्या उठा लें, बिस्किट का पैकेट समझ लेते हैं, एक पैकेट अगर दो पैकेट खा रहे हैं तो ज़्यादा खा रहे हैं, कोई बेचारा एक खा रहा तो फ्यू खा रहा, काउंटेबल वाला में मोर फ्यू लगाते हैं, अनकाउंटेबल वाला में क्या लगाते हैं यार, लेस लगाते हैं और उसमें भी मोर और लेस लगाते हैं, उसे आपको समझ में आएगा भी नहीं, सब कोई फायदा नहीं, लेकिन आप लोग का मम्मी पापा सुन रहा होगा तो वो बताएगा आपको अच्छे से। तो लुक एट द पेयर ऑफ सेट, ये सब देखना आपको, इच पेयर कलर फ्यूअर रेड, मतलब जिसमें कम, वही तो समझना है तभी बना पाइएगा, मतलब फ्यू जो कम है ना उसको रेड कलर करना है एंड जो ज़्यादा उसको ग्रीन करना, तो इसमें देख लीजिए इसमें और इसमें, इसमें दो मछली है इसमें चार मछली है, तो दो वाला को रेड ज़्यादा वाला को ग्रीन, इसमें गुब्बारा देखिए चार गुब्बारा है इसमें तीन गुब्बारा, तो तीन कम है कम वाला को करेंगे रेड ज़्यादा वाला को ग्रीन, यहाँ समझ लेते हैं, ये कर दिया बच्चा इसलिए पता नहीं चला आपको, वाइट वाइट दिख रहा होगा, इसमें दो ही एप्पल है इसमें ज़्यादा एप्पल है तीन तीन छः एप्पल है, तो कम वाला को रेड ज़्यादा वाला को ग्रीन, समझ में आया होगा आपका, अगर वाइट दिख रहा होगा तो आप कलर कीजिएगा। फिर से बता रहा हूँ, जिसमें कम है तो रेड करना है कलर और जिसमें ज़्यादा है तो कौन कलर करना है, ग्रीन करना है। पेज नंबर 10 में आ गए हैं, इन सर्कल वंस हैविंग द सेम क्वांटिटी, मतलब जिसमें सेम क्वांटिटी उसके इन सर्कल, देखिए इसमें 6 एप्पल है, काउंट एन एप्पल 6 है, इसमें 5 है इसमें 5 है, दोनों में सेम है दोनों को गोल गोल कर देंगे बस। इसमें काउंट टॉफी, इसमें 2 है इसमें 3 है इसमें 2 है, तो ये दोनों में सेम है, ये दोनों को काउंट गोल कर देंगे।
कॉन्ड लीब, इसमें फोर लीब है, इसमें 1 2 3 4 5 है, इसमें 1 2 3 4 5, ये दोनों में सेम है तो दोनों को गोल कर देंगे। इसमें क्या है कॉन्ड फ्लावर, इसमें दो फ्लावर है, इसके पास वन है, इसके पास वन है, ये दोनों को गोल कर देंगे, मतलब जो सेम है उसको सर्कल करना है। आगे आ जाते हैं, उसके बाद आ जाते हैं डू यू रिमेंबर थिक। थिक मतलब होता है मोटा, थिन मतलब होता है पतला, थिक मतलब मोटा, थिन मतलब पतला होता है। दोस्तों कोई आपको मोटा दिख रहा होगा तो वो थिक है, बेचारा कोई पतला दिख रहा हो तो थिन है। कलर द थिकर वन, जो थिक है ना, थिक ये दोनों में देखिए मोटा ये है ना, उसको कलर करना था, ये अच्छा कर दिया कलर। अगला है कलर द थिनर वन, थिन मतलब पतला, ये देखिए ये भी कांटी है, ये भी कांटी, आपको वाइट दिख रहा होगा तो थिन को कलर करना था, ये वाला पतला वाला को कलर करना। अगला चलते हैं, फाइंड द थिकेस्ट एंड द थिनेस्ट। थिकेस्ट, अब थिन मतलब थिक मतलब मोटा बताए तो थिकेस्ट मतलब सबसे मोटा, तो इतना सारा भिंडी में, भिंडी को दोस्तों इंग्लिश में ओकरा भी कहते हैं, लेडी फिंगर भी कहते हैं, तो सबसे मोटा ये था इसलिए ये कलर कर दिए। कलर द थिनर, थिन मतलब देखिए ये मोटा है, उससे मोटा ये कम है, सबसे पतला ये है, तो थिनर मतलब सबसे पतला वाला को करना कलर। आगे चलते हैं दोस्तों, टिक वन हैविंग द सेम थिकनेस, थिकनेस मतलब मोटाई जिसका सेम है उसको करना है। जैसे इसमें देखिए इसका और इसका थिकनेस सेम है, इसमें थोड़ा कम है ब्रेड, मोटाई कम है, तो ये दोनों कलर हो जाएगा, थोड़ा टिक करना है तो मारते हैं, टिक करते हैं। अगला चलते हैं, जिसमें इसमें भी सेम है तो इसका छोटा कम है, तो ये वाला और ये वाला बराबर है। अगला चलते हैं, ये देखिए मछली है, ये भी मछली, ये भी मछली, ये दोनों सेम टू सेम दिख रहा, ये वाला और ये वाला, इसमें देखिए कौन सेम दिख रहा है। देखिए हम लोग को ना लंबाई नहीं देखना, ठीक मोटाई में सेम देखना, तो ये दोनों मोटाई में सेम दिख रहा है ना, ये मत देखना कि ये लंबा है, लंबा नहीं देखना, ठीक देखना, ठीक ये पतला है थोड़ा सा। अगला है दोस्तों एक और वर्ड आया नियर, फार, फार मतलब दूर और नियर मतलब नज़दीक। आपका नाना नानी का घर बहुत दूर है तो फार लगेगा, नाना नानी का घर बगल में है तो नियर लगेगा। कलर एनी टू थिंग्स ग्रीन दैट आर फार फ्रॉम द गर्ल्स, मतलब एक लड़की है उससे जो दूर है उसको क्या करना है, ग्रीन करना है। एनी टू रेड करना है जो नज़दीक है, तो नज़दीक लड़की, देखिए ये तो एक पेज में दिखेगा ही नहीं, ये लड़की है, लड़की से जो दूर कर दूर हैं, जो दूर हैं उसको ग्रीन करना, तो लड़की के ये सब पास में है ना, पास वाला को रेड करना, इसको भी रेड करना था, इसको भी रेड करना था, लेकिन लड़की यहाँ है, घर उड़ इधर है, तो ये सबको ग्रीन करना, जो दूर में है ग्रीन, जो जो पास में है रेड, वैसे ये भी रेड होगा, ये भी रेड होगा, क्योंकि ये सब पास में है इनका। नेक्स्ट है पुट द थिंग्स इन ऑर्डर, ऑर्डर मतलब सजाना है दोस्तों, बड़ा से छोटा हो या छोटा से बड़ा हो, जो बोला है वो सजाएंगे। रीड द इंस्ट्रक्शन केयरफुली, मतलब इसको पढ़ने बोल रहा अच्छे से। बिगिन विथ द स्मॉलेस्ट ऑब्जेक्ट एंड राइट 1 2 3 4, मतलब छोटा से शुरू करना, दोस्तों सबसे छोटा कौन है, तो ये तो भी पैदे लिया लगता है, 1 इससे बड़ा ये है, 2 उससे बड़ा ये है, 3 सबसे बड़ा यहाँ दिख रहा है, ये 4 है ना, छोटा से बड़ा। इसमें देख लीजिए सबसे छोटा ये दिख रहा है, उससे बड़ा ये दिख रहा है, उससे बड़ा ये दिख रहा है, उससे बड़ा ये सबसे बड़ा। इसमें क्या करना है, बिगिन विद द बिगेस्ट ऑब्जेक्ट, मतलब बड़ा से छोटा लिखना, तो सबसे बड़ा तो ये है दोस्तों, केक खा के, केक खाने का मन कर रहा होगा, ये उससे छोटा यहाँ, सबसे छोटा यहाँ, दिक्कत। इसमें सबसे बड़ा कहाँ है, तो सबसे बड़ा ये तो लगभग बराबर दिख रहा है यार, सबसे बड़ा यही दिख रहा, उससे छोटा ये, उससे छोटा ये, और सबसे छोटा ये है ना। अच्छा इसमें बिगेस्ट से शुरू करना, ध्यान रखना, जो सेकेंड वाला में बिगेस्ट से शुरू करना। अगला देखते हैं 15, एक और है इसके बाद पेज नंबर। बिगिन विद द शॉर्टेस्ट, शॉर्टेस्ट मतलब सबसे छोटा से शुरू करना, क्योंकि शुरू में भी बताए थे एंड राइट, सबसे छोटा ये तो अभी पैदे लिया, 1 ये हो जाएगा, 2 कौन होगा, नारियल बहुत बड़ा होता, 2 यही हो जाएगा, उसके बाद 3 ये हो जाएगा, 4 ये हो जाएगा। अगला देखते हैं बैट में सबसे छोटा बैट कौन है, तो ये है, दूसरा यहाँ है, तीसरा ये दोनों में कौन होगा, तीसरा ये है, चौथा ये बहुत बड़ा है। अगला देखते हैं बिगिन विद द टॉलेस्ट, सबसे बड़ा उठाना, तो हाथी सबसे बड़ा है, 1, उसके बाद जीरा, उसके बाद बिल्ली, बिल्ली मतलब 3 आ जाएगा, मेंढक तो सबसे छोटा होता है तो 4 दे देते हैं। यहाँ देख लीजिए सबसे टॉलेस्ट, सबसे टॉलेस्ट ये लड़की है, तो मान लेते ये 1 है, टॉलेस्ट हमको छाँटना है, उसके बाद सेकेंड में ये आ जाएगा, 3 में ये आ जाएगा, 4 में ये बहुत छोटी है।
अगला है बिगिन विद द लॉन्गेस्ट ऑब्जेक्ट एंड राइट वन डिग्री. लॉन्गेस्ट सबसे लंबा, सबसे बिगिन विद लॉन्गेस्ट ऑब्जेक्ट, तो सबसे लंबा पहले जो है ये वो लंबा है, सेकेंड में ये है, थर्ड में ये है और फोर्थ में सबसे छोटा ये है. ये स्नेक भाई साहब है, तो स्नेक फैला में ये है, उससे छोटा कौन है, उससे छोटा ये है, सब उससे छोटा ये है, थ्री हो जाएगा, ये सबसे छोटा तो फोर हो जाएगा. उसके बाद बिगिन विद द थिकेस्ट ऑब्जेक्ट एंड राइट वन टू थ्री फोर. सबसे थिक मतलब मोटा, तो सबसे थिक ये है, उससे पतला ये है, उससे पतला ये है और सबसे पतला ये है. अगला चलते हैं, ये भी सबसे मोटा यही पेन है वन, उससे पतला ये है टू, उससे पतला ये है थ्री, उससे पतला ये है फोर. दोस्तों इसके बाद जो अगला वीडियो में मैंने यहाँ नंबर कॉन्सेप्ट इसको बताएंगे, है ना. तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय. अगला वीडियो को देखने के लिए आप दोस्तों सब्सक्राइब कर सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, मत करना.